जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हरियाणा एसएससी करनाल पटवारी रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि बीते कल यानी कि 13 जून को जारी की गई है। और मैं आपको बता दूं कि यह भर्ती ऑफिशियल है। दोस्तों पहले भी इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन वायरल हो चुके हैं, पर वो फेक नोटिफिकेशन थे। पर अगर आप इस बार आप ये जानना चाहते हो कि जो नोटिफिकेशन इस बार रिलीज हुआ है वो ऑफिशियल है या नहीं, तो आप डायरेक्टली हरियाणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। और जैसे ही आप हरियाणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर आपको चले जाना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगे। तो आप 8/2019 के नेम से, जो 13 जून 2019 को जारी किया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। जो पीडीएफ डाउनलोड के सामने पीडीएफ है इसके ऊपर, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा और जिसके बारे में अब मैं आपको एक एक करके जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए पहले तो यहां से आप इसकी इंपोर्टेंट डेट्स जान लीजिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि प्रकाशित करने की तिथि 13 जून 2019 है, जो कि बीते कल को हुआ था। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि कब से आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे, 18 जून 2019 से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जुलाई 2019 रात 12 बजे तक, यानी कि 18 जून से लेकर 2 जुलाई 2019 रात 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी 5 जुलाई 2019, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करने के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अब चलिए मेन जानकारी पर आते हैं। अब अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप इस यूआरएल के माध्यम से अप्लाई कर पाओगे। पर वैसे मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगा यानी कि 18 जून को, तो मैं तभी आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको हरियाणा करनाल पटवारी भर्ती 2019 के लिए अप्लाई करना है। आप यहां पर देख सकते हो कि जो भर्ती निकाली गई है वो 1100 पदों के लिए निकाली गई है और पोस्ट नेम भी यहां पर दिया गया है करनाल पटवारी। दोस्तों इस भर्ती का इंतजार आप बहुत ही लंबे समय से कर रहे थे, पर यह भर्ती रिलीज होने का नाम नहीं ले रही थी, पर अब ये रिलीज हो चुकी है। तो जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया जो टोटल वैकेंसीज है वो 1100 है, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो टोटल पद निकाले गए हैं वो 473 है। एससी कैटेगरी के लिए 220 पद है। बीसीए कैटेगरी के लिए 176 पद है। बीसीबी कैटेगरी के लिए 121 पद है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 110 पद निकाले गए हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पीडब्ल्यूडी के लिए कितने पद रखे गए हैं। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए 11, डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 11। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किस विकलांग के लिए कितने पद यहां पर रखे गए हैं। अब जान लेते हैं एजेंटल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास कम से कम ग्रेजुएट की योग्यता है या फिर उसके बराबर कोई भी योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि अगर आपके पास बीटेक या फिर जो भी ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर क्वालिफिकेशन आती है तो उसके माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यहां पर क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के में आप बोल सकते हो दिया गया है, वो ये है कि हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिकुलेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर एजुकेशन, यानी कि जो आपने 10th क्लास की है उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि अगर आप दूसरी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो 10th क्लास है, 10th क्लास में आपके पास या तो हिंदी सब्जेक्ट कंपल्सरी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट कंपल्सरी होना जरूरी है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट यानी कि जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों यहां पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल दी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल, यानी कि जिन कैंडिडेट की उम्र 18 से 42 साल के बीच होगी वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल के बारे में बात की जाए तो आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ कैटेगरी कैंडिडेट्स को आयु सीमा के अंदर छूट भी दी गई है। अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल अप टू 5 ईयर्स इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एससी, यानी कि अगर आप एससी से हो तो आपको 5 साल की छूट दी जा रही है आयु सीमा के अंदर।
और अगर आप बैकवर्ड क्लास बी एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, इसमें भी आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है। पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पर आयु सीमा के अंदर 10 साल की छूट दी जा रही है, और अगर आप विकलांग हो और एससी और बीसी कैटेगरी से हो तो आपको 15 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जा रही है। यहाँ पर जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। तो जनरल कैंडिडेट्स को मेल को यहाँ पर मेल फीमेल दोनों को ₹100 देने होंगे जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, और फीमेल हरियाणा रेसिडेंट, जो हरियाणा के रेसिडेंट है और फीमेल है, उनको ₹50 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। और जो ये फीस है मेल फीमेल के लिए ₹100, ये अदर स्टेट के लिए है, और साथ ही जो हरियाणा के मेल है उनके लिए है। पर वहीं जो हरियाणा के फीमेल कैंडिडेट है उनको अप्लाई करने के लिए ₹50 देने होंगे। अगर आप हरियाणा से बाहर के फीमेल हो तो आपको ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट, इन कैटेगरी कैंडिडेट्स को मेल में ₹25 देने होंगे अप्लाई करने के लिए, और फीमेल को ₹13 देने होंगे। यानी कि अगर आप एससी बीसी ईडब्ल्यूएस से हो और हरियाणा से हो, तो अगर आप मेल हो आपको ₹25 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, नहीं तो अगर आप फीमेल हो तो आपको ₹13 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईएक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा कैटेगरी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ये कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामेशन एंड सिलेबस के बारे में भी बता देता हूँ, यानी कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा और आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, द स्कीम ऑफ मार्क्स इन द एस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन टू द पोस्ट सेल कॉम्प्राइज ऑफ टोटल 100 मार्क्स, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा या आपका पूरा सिलेक्शन होगा वो 100 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें कि आपका 90 मार्क्स के लिए रिटर्न एग्जाम होगा, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर जो एग्ज़ाम के लिए आपको 90 मार्क्स दिए जाएंगे उनमें जो 75% वेटेज रहेगा वो आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्ट ऑफ रिलिवेंट सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल, इनमें से आपको 75% के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 25% वेटेज आपका, यानी कि क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, ETC ऑफ हरियाणा से आएंगे। तो ये आपका इस प्रकार का रिटर्न एग्जाम का पैटर्न रहेगा। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, इसमें जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि किस कैटेगरी कैंडिडेट्स को या किस बॉडी को ये फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, इफ़ नीदर द एप्लीकेंट नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट्स फैमिली, यानी कि अगर आप इनमें से किसी एक भी डिपार्टमेंट में से नहीं हो, जैसे कि डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैचरी बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हो, यानी कि आपके फादर या आपके भाई या आपके पति या आपके बेटे इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं, तो आपको इसी स्थिति में 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है, अगर आप विधवा हो, दी फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ, यानी कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आप विधवा हो और आपके जो पति है वो 42 साल की उम्र से पहले ही मर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, दी फर्स्ट और दी सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर दी एप्लीकेंट हैड अटेंड दी एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और जो आपका फर्स्ट बच्चा है वो 15 साल की उम्र उसकी नहीं हुई और उनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस मामले में भी आपको 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिक के तहत आते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में, तो आपको तब भी 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है नोट करके, नो एप्लीकेंट सेल बी गिवन मोर देन 10 मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस अंडर एनी सर्कोमेंटेंस, यानी कि किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी स्थिति में 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको मैक्सिमम इसमें सिर्फ 10 ही मार्क्स दिए जा सकते हैं।
एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट जारी कर दी गई है। आपका जो एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन टाइप होगा या फिर OMR बेस्ड होगा, वो आपका 13 जून से लेकर 18 अगस्त 2019 के बीच हो सकता है। एंड द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर एडमिट कार्ड। और जो आपका डेट टाइम समय रहेगा और प्लेस रहेगा वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। अभी उसके बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी है, पर उसके बावजूद फिर भी इन्होंने ये अधिकार अपने पास रखा है कि कभी भी वो एग्ज़ाम डेट चेंज कर सकते हैं और कभी भी वो जो आपका अगर वो एडमिट कार्ड रिलीज भी कर देते हैं और आपको ये बता देता है कि आपका एग्ज़ाम इस दिन होगा, फिर भी अपने पास वो अधिकार रखते हैं कि वो कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर और इसके बारे में जो कुछ और जानकारी महत्वपूर्ण निकल के आती है उनको भी मैं आपको यहाँ से देख करके बता देता हूँ, ताकि आपको फॉर्म फिल करते समय या इसके बारे में कोई भी आपके मन में शंका न रहे। यहाँ पर आप अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि 18 जून से इसमें फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दी गई है जो कि मैडेंट्री यानी कि अनिवार्य रहेंगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए, जैसे कि स्कैंड कॉपी ऑफ एजेंटियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट की और मैट्रिकुलेशन की फोटोकॉपी और साथ ही स्कैन कॉपी PDF फाइल में और JPEG फाइल में तैयार करके रखनी है, क्योंकि 18 जून को जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। स्कैंड कॉपी ऑफ SC BCA अगर आप इन कैटेगरी से हो जो कि कास्ट कैटेगरी होती है, इनकी आपको एक फोटोकॉपी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी और स्कैन कॉपी आपको एक बनवा के रख लेनी है जो कि आपको फॉर्म फिल करते समय काम आएगी। स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक। अगर आप जो अभी मैंने आपको तीसरा राउंड बताया है जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, जिसमें कि आपको 10 मार्क्स अलॉटेड किए जाएंगे और जो कि जिसका फ़ायदा सिर्फ हरियाणा के जो हरियाणा स्टेट से लोग हैं उन्हीं को हो पाएगा, तो आपको उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता होगा। वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आपको अपने पास तैयार करके रखनी है, जिसका इस्तेमाल आपको फॉर्म फिल करते समय करना होगा। स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको एक अपना फोटोग्राफ रखना होगा जो कि 3 महीने से पुराना ना हो और उस पर आपको सिग्नेचर करके तभी वो अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको एक खाली सिग्नेचर यानी कि सिर्फ सिग्नेचर ही आपको अपलोड करना होगा, उसका भी आपको स्कैंड कॉपी तैयार करके रखनी है। स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तैयार करके रखनी है जो जिसका इस्तेमाल आपको फॉर्म फिल करने में करना होगा, चाहे वो आपका क्वालिफिकेशन से जुड़ा हो चाहे फिर वो एक्सपीरियंस से जुड़ा हो, आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन कॉपी तैयार करके रखनी है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इनको पहले से तैयार रखो और जब मैं फॉर्म फिल करने की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ तो आपको कहीं और जाना ना पड़े, ना ही आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आने की आवश्यकता पड़े। आप एक बार वीडियो देखने बैठो और साथ के साथ अपना फॉर्म फिल करके तभी आराम से हटो। तो ये मैंने आपको इसलिए जानकारी दी है। इसके अंदर अभी जो मेन जानकारी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ, इसके अलावा इसमें कोई मेन जानकारी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर ले। रीड करने के बाद अगर आपको कोई जानकारी समझ में ना आए या आप किसी जानकारी के बारे में मुझसे और क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।